अयोध्या कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। कहने को गेट पर मेटल डिटेक्टर तो है, लेकिन उनकी आवाज पर गौर करने की तत्परता सुरक्षा में नहीं है। जहां कचहरी की यह हालत तब है जबकि यह परिसर खुद आतंकी हमले का शिकार हो चुकी है। बता दें कि सीरियल ब्लास्ट के बाद कचहरी की सुरक्षा को लेकर कई योजनाएं बनी, लेकिन अमल सिर्फ तलाशी लेने तक की सिमट गया। वहीं अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। साधना ने उसकी टीम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रियलिटी चेक किया तो कचहरी के गेट पर तलाशी या चेकिंग की जहमत नहीं उठाई गई। लोग बेरोक टोक अंदर बाहर आ जा रहे थे। तो अयोध्या का ये कचहरी ऑफिस है, डीएम ऑफिस है, यहाँ पे आप साफ तौर पे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे दिखाएगी साधना न्यूज की टीम। यहाँ पे जो डेटल डायरेक्टर लगा हुआ है वो यहाँ पे वर्क करता है नहीं करता है, आप यहाँ पे मैं पीछे कैमरा मैन से कहूंगा कि दिखाए कि लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, लेकिन जो ये मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है वो यहाँ पे काम करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो जिससे कहीं ना कहीं जो है जो संदिग्ध व्यक्ति है या आतंकी हमले हैं यहाँ पे इससे पहले भी कचहरी में हो भी चुका है। और यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर को यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कार्य करता हुआ नहीं मिल रहा है मेटल डिटेक्टर। तो इसमें ये लोग भी निकल रहे हैं, भाई साहब आप निकले तो इसमें कोई आवाज आई मेटल डिटेक्टर? नहीं, कोई नहीं आवाज। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, लापरवाही मानेंगे? हाँ, लापरवाही तो कुछ है ही है। तो लापरवाही इसमें किसकी मानी जाएगी? यहाँ के प्रशासन की मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो लोग आ जा रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है वो काम नहीं कर रहा है, तो जिससे कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जो है नजर आ रही है और सुरक्षा व्यवस्था को भी भेज सकती है, क्योंकि अयोध्या जो है सेंसिटिव इलाका भी है और इस कचहरी में भी इससे पहले भी आतंकी हमले भी हो चुके हैं। तो इसको लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है वो बिल्कुल राम भरोसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी जो मेटल डिटेक्टर जो है काम करता हुआ नहीं मिल रहा है। और जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हम बात करते हैं कि आप यहाँ तो क्या कहेंगे इसके? सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ है और क्या है, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, नहीं है जो है लापरवाही तो वही है, प्रशासन की लापरवाही तो वही। लापरवाही खामियां जाम जनता भुगत सकती है? बिल्कुल भुगत सकती है, कहीं नहीं भुगत सकती। तो लापरवाही किसकी मानेंगे आप? प्रशासन की। राकेश कुमार वर्मा। तो आप यहाँ पे मेटल डिटेक्टर से क्रॉस किए जी, तो क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था आवाज आवाज आई? नहीं कोई। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था क्या कहेंगे, कोई मतलब है नहीं है, जैसे यहाँ लोग खड़े हैं केवल बैग और सब चेक किया जा रहा है, मशीन का कोई मतलब है नहीं है, तो लापरवाही है जी। आपने देखा साफ तौर पर जो डेटल डिटेक्टर लगा हुआ है वो काम करता हुआ नहीं है। मैं यहाँ पे भी कैमरा मैन से कहूंगा दिखाए कि आप साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है ये वर्क करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो शासन प्रशासन की भी नजर आ रही है। वकील साहब आप इधर से निकलिए, देखिए मेटल डिटेक्टर यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप निकले तो क्या लगा आपको कि मेटल डिटेक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो लापरवाही मानेंगे? लापरवाही पूरी तरह से लापरवाही कोई। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि जो मेटल डिटेक्टर लगा वो काम नहीं कर रहा है। तो डीएम कार्यालय है और यह मंडल का कार्यालय भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही जो शासन प्रशासन की यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और अयोध्या जो है आतंकी क्षेत्र भी है और यहाँ कचहरी में इससे पहले भी आतंकी हमले भी हो चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर देखने को मिली है। विनय मिश्रा, साधना न्यूज, अयोध्या।